अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। इस वीडियो में हम नोशन जो नोट टेकिंग ऐप है उसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और उसके बेसिक यूजेज का प्रोसेस देखेंगे। जो पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हैं, नोशन को इंस्टॉल करेंगे, उसकी बेसिक यूजेज का प्रोसेस देखेंगे, वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वर्क स्पेस कैसे आप बना सकते हैं, और आपने अगर एक डॉक्यूमेंट बनाई है तो उसको दूसरों के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं कि ताकि कोई और भी उस पर काम कर सके या एटलीस्ट देख सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने वेब ब्राउजर में आए और वहां पे नोशन क्लिक के सर्च करें। फर्स्ट वेबसाइट होगी notion.so, इस पे क्लिक करें और ये बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अपने साइन अप पेज पे ले जाएगा। तो आप गूगल को यूज करते हुए इसमें साइन अप कर लें अगर आपके पास ऑलरेडी इसका अकाउंट नहीं है, अदरवाइज अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉग इन कर लें। अगर आपके पास अकाउंट है मीन आप पहले ही प्रोफेशनल हैं इसमें। ओके, मैं इस पे एक अकाउंट बना लूंगा और यहाँ पे बेसिकली आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपनी टीम के लिए कह देता हूँ, फॉर माई टीम यूज सिलेक्ट नहीं करने दे रहा, मैं एक दफा रिफ्रेश कर लूंगा। कभी कभी वेबसाइट्स पे इशू आ जाते हैं तो उनको काइंडली एक दफा रिफ्रेश करके देख लें। फॉर टीम कंटिन्यू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, बेसिकली यहाँ पे आप रैंडम, ये सारी बाद में ना चेंजेबल होते हैं, तो अभी के लिए मैं सिर्फ रैंडम इसको कर दूंगा जो थोड़ा बहुत अप्लाई भी करे मुझ पर। और यहाँ पे मैं सारी सिलेक्ट कर लूंगा और कंटिन्यू। वर्क स्पेस नेम ज़ायंस जी वर्क फ्री वर्कस्पेस वन। ओके, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये मुझे अकाउंट पे रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा गेट शेयरेबल लिंक टेक मी टू नोशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट अवे मुझे नोशन की जो वेब ऐप है उसमें ले आया है। नोशन को बेसिकली, नोशन का जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये वेब पे भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप विंडोज डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, मैकOS डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, लिनक्स डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड मोबाइल में भी अवेलेबल है और आईफोन मोबाइल में भी अवेलेबल है। तो ये इसका एक जरा प्लस पॉइंट है कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपने अपना सिस्टम या डिवाइस चेंज किया तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं फेस आती। इसके अल्टरनेटिवली ऑब्वियसली एक जो इससे काफी बेहतर नॉट इन नॉट टेकिंग कैटेगरी, क्योंकि नॉट टेकिंग कैटेगरी में ये जरा स्पेसिफिक सिर्फ उसको ही टारगेट कर रहा है, इसलिए इसके फीचर्स जरा उसके लिए बेस्ट सूटेड है नोट्स टेक करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये जरा इसमें प्लान्स वगैरह आ जाते हैं तो इस वजह से प्लान प्राइस की वजह से ये थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा काम किया। तो जो इसके अल्टरनेटिव आ जाता है जो कम्प्लीटली फ्री है, होपफुली सबको पता होगा, गूगल शीट्स डॉक्स, उसमें आप जो मर्जी करें सब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन अभी के लिए इस पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे इसने ये बेसिकली कुछ डिफॉल्ट्स आपके लिए बना दिए ताकि सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा मीन के देख सकें कि क्या क्या आप नोशन में कर सकते हैं। ओके, इसमें आप टीम्स ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा ये काफी पावरफुल एक सॉफ्टवेयर है। ओके, इसमें टास्क असाइन करें, सारा कुछ इसको थोड़ा सा आप ऑब्वियसली जैसे भी, जैसे हर एक चीज की तरह कि कोई भी चीज जब आप एक नई चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसको जरा गो थ्रू करना पड़ता है और होपफुली वो फिट आ जाता है। यहाँ पे हम कंटिन्यू करने से पहले इस पॉइंट को चेक कर देंगे कि हमारा ये जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है वो भी बेसिकली हमने ऑनलाइन ही किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से पहले लोकल पे इंस्टॉल कर लूंगा। लोकल पे जो इंस्टॉल करने का तरीकाकार है वो ये है, ओपन इन विंडोज ऐप, इस पे क्लिक करते हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा विंडोज ऐप क्योंकि अभी इंस्टॉल नहीं, तो मैं यहाँ पे आके नोशन लिख के सर्च करूंगा और नोशन ये डाउनलोड द नोशन। वैसे भी अगर मैं इसकी मेन वेबसाइट पे भी चला जाता हूँ, notion.so, इस पे चला जाता हूँ और जरा वेट करता हूँ। अभी ये मुझे बेसिकली मेरे अकाउंट में ले गया है क्योंकि मैं अकाउंट में लॉगिन था, तो मैं इसको एक प्राइवेट टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि वो लॉगिन वाला काम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया, और यहाँ पे डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं iOS, Android, Mac, Windows और वेब बेसिकली जो हम यूज कर रहे थे। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा Mac एंड Windows और यहाँ से Windows डाउनलोड फॉर Windows, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी।
जब तक ये डाउनलोड हो रही है हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करेंगे कि बेसिक यूजेज। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, डाउनलोड यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, ऑलमोस्ट जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और अब हम अपना पहला पेज बनाएंगे। ये जो ऊपर आपको शो कर रहा है टीम स्पेस, इस पे मैं बाद में बात करूंगा, ये बेसिकली वो वर्क स्पेस के रिलेटेड है। ये प्राइवेट पेज, ये बेसिकली जो प्राइवेट में शो कर रहा है ये आपके मीन के जैसे आप पहले आपकी पर्सनल डायरी है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करें, एड अ न्यू प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज ऐड हो जाएगा। पेज को जो मर्जी टाइटल देते हैं, टुडे समरी और व्हाटएवर, जो भी आप करना चाहें। अब अगर आप एम्प्टी पेज ब्लैंक पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे ब्लैंक पेज विद आइकॉन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर आइकॉन एक ऐड कर देगा, ये जो आइकॉन है यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, आप अगर नहीं आइकॉन ऑब्वियसली यूज अगर नहीं करना चाहते, आप आइकॉन पे क्लिक करें और रिमूव पे क्लिक करें, आइकॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट का आइकॉन आ जाएगा इन डिफॉल्ट, क्योंकि उनका डिजाइन इस तरह का, उन्होंने कुछ शो करवाया। आइकॉन ऐड करना चाहते हैं, वापस आइकॉन पे क्लिक करें, आइकॉन ऐड हो जाएगा, वहां पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आगे अब यहाँ पे जो इसकी पावर मेन है, आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगाएं तो ये अब आपसे ये आपको सारा मीन के ना ये दे देगा कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। ऑब्वियसली इस एक लेक्चर में सारा कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप काइंडली अपना टाइम टेक करें और थोड़ी चीजों को गो थ्रू करके देखें क्योंकि क्या क्या इसमें किया जा सकता है, लिस्टें ऐड करना, टेबल्स ऐड करना और बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक नया पेज बनाऊंगा और इस दफा मैं टेम्पलेट्स को क्लिक करूंगा। वो तो जो स्लैश की कमांड थी उसमें तो जो चीजें हम ऐड कर सकते हैं वो आ रही है। यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आपके लिए बनाए हुए हैं ताकि अगर आपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट्स और टास्क मैनेज कर रहे हैं तो इस टेम्पलेट को क्लिक करें। अगर आपको एक सिंपल टू डू लिस्ट चाहिए कि क्या काम करना है, सिर्फ टू डू लिस्ट पे क्लिक करें, ये आपके लिए एक बना बनाया टेम्पलेट है कि ये टू डू लिस्ट, और इसको गेट टेम्पलेट पे, उसके अलावा और बड़े टेम्पलेट है और ऊपर अभी कैटेगरी वर्क की सिलेक्ट है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आएंगे और बड़े टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैं टू डू कैटेगरी इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ और गेट टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने गेट टेम्पलेट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पेज है उसका नाम चेंज हो गया, टास्क हो गया, उसका आइकॉन चेंज हो गया, मीन के टास्क के आइकॉन पे चला गया और लास्टली ये एक डिफॉल्ट सा मेरे पास जो टू डू सिस्टम है वो बन गया है। असाइनी ऑब्वियसली सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे टू डूज हैं, आप चाहें तो ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन है कि यूजर जो है और ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जरा जो पीपल्स वगैरह ऐड करना है वो इसके प्रो फीचर में चला जाता है, हम सिंपल ही रहेंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैलेंडर, ये व्यूज हैं, ये जो ऊपर है ना ये व्यूज आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हर एक टेम्पलेट में सेम ही है। ऊपर ये व्यूज आ रहे हैं कि भाई बाय स्टेटस मुझे व्यू करवाओ, बाय कैंपेन टाइप व्यू कराओ, इस तरह कराओ, और नीचे एक्चुअल डाटा, ये डाटा सारे व्यूज में सेम ही है, सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाने का जो तरीका कार है वो चेंज किया गया ताकि आपके लिए आसानी रहे। मैं टास्क में वापस जाता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल टास्क जितने टास्क थे वो आ गए, और बाय बोर्ड, ये बोर्ड मीन के नॉट स्टार्टेड कौन सा है, इन प्रोग्रेस कौन सा है, डन कौन सा है। मैं चाहूं तो इसको एक और व्यू जो मुझे पर्सनली पसंद है, कैलेंडर, ताकि मुझे पता हो अच्छा मैंने किस दिन में कौन सा टास्क असाइन किया। इसके अलावा बाकी भी आप सारे व्यूज ऐड करने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है, ये फ्री में अवेलेबल है, उनका फ्री टोटल फ्री फीचर है, आप ये वाले व्यूज आराम से ऐड करें, सारे ऐड कर लें, सारे ऐड करके एक दफा देख लें कि कौन सा किस तरह शो कर रहा है। मुझे पर्सनली जो व्यू टाइप्स पसंद है वो कैलेंडर, बोर्ड और ऑल, उसके अलावा या माइंड, मेनली मैं इन तीन के साथ ही काम कर रहा था। ओके, तो ये बेसिकली टेम्पलेट हमने ये यूज कर लिया, हमने एक सिंपल पेज बना लिया। इस सिंपल पेज में हम कुछ ऑप्शंस उनको ट्राई कर लेते हैं। फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे आप टेक्स्ट सिंपल ऐड कर लें, ये ऑब्वियसली सिंपल सा सिर्फ टेक्स्ट है। यहाँ पे फिर फॉरवर्ड स्लैश ऐड करेंगे तो पेज, एक सब पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं पेज पे क्लिक करूंगा वही पूरा काम हो जाएगा, लेकिन इस दफा ये इसका सब पेज बना है, ये देखें, इस पे क्लिक करूंगा तो वो उसके नीचे सब पेज में शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा वो डिलीट हो जाएगा, नो पेज इनसाइड। ओके, वापस यहाँ पे आते हैं, स्लैश करेंगे, हेडिंग, टू डू लिस्ट, ये सिंपल टू डू लिस्ट है, वो जरा टेम्पलेट थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में तो इसलिए मैंने वो भी आपको दिखा दिया। टेम्पलेट्स प्लीज यूज करें, आपको
जैसे जैसे यूज करेंगे उसकी समझ आती जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा और चीजें हैं, बोर्ड व्यू, ये सारा कुछ। यहाँ से मैं एक और चीज जो आपको शो करवाना चाहूंगा वो ऐसे कॉलम यूआई, यहाँ पे आपने किया और ये आपका कॉलम। ओके, जैसे मीन के टैक्स कंपेयर अगर कर रहे हैं इस चीज का। इसके अलावा बाकी सारे आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, तो डाउनलोड हो चुका है, इस पे डबल क्लिक यहीं पे करते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आप डाउनलोड्स के फोल्डर में आए और इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करें। दोनों एक्शन एक ही, मतलब एक ही एक्शन के दोनों नाम है तरीका का। यहाँ पे ये इंस्टॉलिंग का जो स्टार्टर है, जो सेटअप है, वो स्टार्ट हो चुका है। इसका वेट करेंगे इसके कंप्लीट होने का, और यहाँ पे आके हम बेसिक यूजेज का जो पॉइंट है उसको मार्क कर देंगे पहले पॉइंट को मार्क करने के बाद। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा है। नेक्स्ट हम टीम स्पेस को डिस्कस करेंगे जैसे ही हमारी ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया था, क्योंकि हमने जब मैं ऑनबोर्डिंग कर रहा था तो मैंने वो सारी ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि अच्छा आप किस तरह, किस किस टाइप की स्क्रीन या पेजेस बना सकते हैं ताकि आपका काम जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। ये इंस्टॉलिंग ऑलमोस्ट हो रहा है, ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट इंस्टॉल ही कर देगा, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल करेगा। अगर ऑप्शन पूछेगा तो वो भी हम देख लेंगे साथ। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये काफी एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई चीज आप सोच रहे हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है या एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सोचना किसी चीज के मतलब। तो आप चीज सोच रहे हैं, आप एक आइडिया आपके जेन में आया, आप उसको लिख लें समरी, नेक्स्ट पॉइंट्स, तो ये काफी अच्छा टेम्पलेट है। अपना आप कस्टमाइज टेम्पलेट जितने मर्जी आप बनाए, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं उनमें से अगर कोई आपकी नीड पूरी नहीं करता तो आप अपना कस्टम टेम्पलेट बना लें। ओके, तो जो नोशन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये देख सकते हैं नोशन इंस्टॉल हो चुका है। मीन के सिर्फ हमने डबल क्लिक करना था और उसने डायरेक्ट विदाउट कोई ऑप्शन पूछे नोशन को इंस्टॉल कर दिया। सिंपल उसकी फाइलें लगाई हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी में और इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद ये अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये जैसे हमें वेबसाइट पे स्क्रीन आई थी वही यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ये यहाँ पे ब्राउजर में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर आपका यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज में चला जाता है और आपका अकाउंट जो लॉगिन है वो गूगल में लॉगिन है, तो आपको अपने गूगल को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर सेट करना पड़ेगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किसी और ब्राउजर को, गूगल क्रोम को, ब्रेव को या किसी भी और को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कैसे सेट करते हैं। मेरा ऑलरेडी सेट है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर आपका सेट नहीं है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप कंटिन्यू प्लीज कर लीजिएगा। जैसे ही मैंने ये किया है तो ये जो इस तरह के साइन इन प्रोसेस होते हैं उनमें एंड पे ये पॉपअप आता है, उसको प्लीज ऑलवेज इसको चेक कर दिया करें, जो भी ये होता है ऑलवेज वाला, और ओपन उस ऐप का नाम, ये वापस इस ऐप में ओपन करेगा। मीन उसका कॉल बैक URL, ये थोड़ा सा डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो और टोकन भेजता है और टोकन के जरिए ये ऑथेंटिकेट कर देता है। ओके, यहाँ भी अब आप देख सकते हैं कि ये ऐप लॉगिन हो गई है। लोकली इंस्टॉल करवाने का मकसद सिर्फ इतना होता है क्योंकि ये जो लोकल ऐप है ना, ये अगर आपका इंटरनेट नहीं भी होगा तो आप एटलीस्ट काम कर सकेंगे, आपकी जो फाइलें होंगी ना, काफी फाइलें लोकली ऑफलाइन अवेलेबल होंगी, तो इसलिए जरा ये बेहतर है। अब मैं इसको यहां से बंद इसको कर दूंगा और इसको भी बंद कर दूंगा, और इसी के साथ हमारे पहले दो पॉइंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। इसको स्ट्राइक और इसको स्ट्राइक। अब वर्क स्पेस, तो यहाँ पे टीम स्पेसेस के जो है हेडिंग, उसके नीचे आप देख सकते हैं ये दो टीम स्पेसेस उसने बाय डिफॉल्ट, जब हम ऑनबोर्डिंग कर रहा था मैं, तो उसने ये दो टीम स्पेसेस बाय डिफॉल्ट बनाए। टीम स्पेस ये आप इस तरह समझ लें कि जैसे आपका कंपनी अकाउंट है, ठीक है। स्लैक अगर आप यूज करते हैं तो उसमें, अदरवाइज इन फ्यूचर हमारी स्लैक पे वीडियो आनी है तो उसमें भी, क्योंकि मैं वर्क स्पेसिस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मेनली उसमें, जैसे उसमें चैनल्स हैं तो ये वो समझ लें कि चैनल, क्योंकि एक से ज्यादा बंदे जिस जहां पे काम कर सके। प्राइवेट, ये सिर्फ आपकी पर्सनल लाइब्रेरी है, इस ये यहाँ पे जो भी चीज होगी किसी और के साथ शेयर नहीं होगी। टीम स्पेस या इसका ऑल्टरनेटिव नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा था वर्क स्पेस, ये आपकी कंपनी का कह लेंगे, मेनली ये आपके जो HR डिपार्टमेंट होगा या अगर आप मैनेजर हैं तो आप बनाएंगे और बाकी सारे टीम मेंबर्स को इसमें ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट ये टू बनाई है,
मैं चाहूँ तो एक नई भी बना सकता हूँ, नाम यहाँ पे जो भी नाम है एंटर करना है, जायोन से एंटर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सेंसेबल नाम रहे। यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिया जायोन्स, टेम्पलेट मैंने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया, और लास्टली परमिशंस जो है ओपन, ओपन का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे नीचे उन्होंने डिस्क्राइब किया एनी वन कैन सी एंड ज्वाइन दिस वर्क स्पेस, और क्लोज एनी वन कैन सी दिस वर्क स्पेस बट नॉट ज्वाइन। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, फ्री ऑप्शन में ये ऑप्शन है, और फिर मैं क्रिएट टीम स्पेस पे क्लिक करूंगा। मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ वर्क को टीम स्पेस वर्क स्पेस, क्योंकि मैं मेनली वर्क स्पेस स्लैक काफी ज्यादा चीजें यूज करता रहता हूँ, तो उसमें ज्यादातर वर्क स्पेस यूज किया जाता है। इन्होंने सिर्फ उसका नाम चेंज रखने के लिए टीम स्पेस कह दिया। ओके, तो यहाँ पे अब आप इन इस वर्क टीम स्पेस में पीपल जो है अलहदा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज या जो भी जिनको आप इन्वाइट करना चाहते हैं, जैसे आपके क्लाइंट्स, उनको इन्वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी ईमेल लिखेंगे, वो ईमेल जिससे कि उनका कोई नोशन का अकाउंट बना हुआ है, अदरवाइज उनको इनवाइट चला जाएगा कि नोशन का अकाउंट बनाए। और टीम स्पेस मेंबर मतलब ये परमिशंस उनके पास होंगी, नीचे लिखा हुआ है कि वो क्या नहीं कर सकते। टीम स्पेस ओनर नीचे परमिशन लिखा हुआ है कि वो टीम स्पेस की फुल एक्सेस होगी, आपको निकाल भी सकते हैं, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। स्किप फॉर नाउ करूंगा और ये हमारी एक नई टीम स्पेस बन गई है। आइकॉन ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ चेंज इसमें, बाकी सारा कुछ सेम है। ये पेजेस बन रहे हैं, पेजेस क्या क्या सब पेजेस बनेंगे, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये शेयर्ड डायरी है और ये जो है ये प्राइवेट डायरी है। ये शेयर्ड सिस्टम का मतलब है कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी उसमें कमेंट या चेंजेस कर सकता है, रिकॉर्ड रहता है उसकी मसला नहीं है। ये आपकी प्राइवेट डायरी है, इसमें सिर्फ आप काम करेंगे, ये किसी के साथ शेयरेबल नहीं है, ये इस तरह। और अब आपने बेसिकली सेटिंग क्लोज हो गई, अब आप चाहते हैं कि मेंबर ऐड कर दें, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त टीम स्पेस के आगे आए, थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, ऐड मेंबर्स, यहां से आप आराम से उसकी ईमेल पे उसको इनवाइट सेंड कर दें। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था वर्क स्पेस एक फ्री बनाने का। इसको हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं क्योंकि उनका नाम यूज कर लेते हैं, स्पेस ओके ये बनाने का, और इसको हम स्ट्राइक कर देते हैं। लास्टली ये जो हमने पॉइंट लिखा है शेयर विद अदर्स, बेसिकली जो ऊपर टीम स्पेस है उसका भी ये सेम ही है। टीम स्पेस में तो आप डायरेक्टली उस मेंबर को ऐड कर सकते हैं ताकि वो उस टीम स्पेस में जो भी पेजेस है उसको देख सके, लेकिन अगर आपने टीम स्पेस में से कोई स्पेसिफिक पेज शेयर करना हो या प्राइवेट में से किसी वजह से कोई स्पेसिफिक पेज शेयर करना हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि ये ऊपर शेयर, एक तरीकाकार ये है, एक जो आसान है वो ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर लें एज अ पीडीएफ और शेयर कर दें। ये जो दूसरा तरीकाकार जरा कह लें कि एडवांस तरीकाकार है, वो ये है कि आप ये भी टीम स्पेस के ऑलमोस्ट एलिमेंट ही है कि जो जो इस वर्क स्पेस ये आपके मेन अकाउंट उसमें है उसके साथ शेयर कर सकें। ओके ओके जस्ट वन मिनट, यस अकाउंट का जो है बेसिकली जो पीपल इस अकाउंट में एज अ मेंबर्स ऐड है उनके साथ ये शेयर कर सकें। लास्टली जो सिर्फ और सिर्फ आप वेब पे इसको एक स्टैटिक आपको यूआरएल चाहिए जो आप मीन के क्विकली किसी के साथ शेयर कर सकें, तो आप पब्लिक पे आए और पब्लिश टू वेब इस पे क्लिक करें, ये अब आपको एक लिंक मिल गया, इसको कॉपी करें और यहाँ पे ये नीचे देख लें लिंक एक्सपायर्स। अगर आप चाहते हैं ना कि बेसिकली सॉरी हाँ ये आ गया, ये प्रो का फीचर है तो ये अवेलेबल नहीं है, इसको रहने दें। यहाँ पे वापस आते हैं, ये ऊपर लिखा होता है आगे, वो मैंने पढ़ा नहीं, तो इसको रहने देते हैं। अलाउ एडिटिंग, मुझे इसकी अलाउ कमेंट्स, जैसे कि गूगल शीट्स में है अलाउ एडिट मीन के यूआरएल शेयर करते हैं एडिटर कमेंटर और व्यूअर, तो कमेंट्स ऐड कर देते हैं और ठीक है। अलाउ डुप्लीकेट एज टेम्पलेट, क्योंकि आपका टेम्पलेट है प्राइवेट है तो मुझे इसकी नहीं कि आप इसको अलाउ ना करें, अगर आप किसी वजह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये तीन सेटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने कमेंट्स ऐड किए हैं ताकि अगर उन्हें कोई कमेंट ऐड करनी हो तो वो कर सकें, मुझे उसकी जो इन्फो है वो मिल सके। व्यू साइट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वेब ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ये जो पेज है ये एक शेयरेबल यूआरएल है, मैं इसको प्राइवेट, ये प्राइवेट टैब में आ गया हूँ, कोई इस टैब में मैं लॉगिन नहीं हूँ अपने अकाउंट से, और आप देख सकते हैं कि जो मैंने उस यूआरएल को फिर ओपन किया और यहाँ पे जो मेरे पास जो डाटा था वो शो हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने टास्क में कुछ ऐड नहीं किया, ये जो डिफॉल्ट टास्क है वो ही शो हो रहे हैं, और कमेंट जैसे कि हमने अलाउ किए हुए हैं तो इसलिए
कमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन कमेंट्स ऐड करने से पहले उनको अपने नोशन के अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा ताकि नोशन इस चीज का रिकॉर्ड रख सके कि किसने कमेंट किया। तो ये एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप क्विकली किसी के साथ अपना कोई पेज शेयर करना चाहते हैं उसको पब्लिश करें, यहां से शेयर के बटन पे क्लिक करें, शेयर के बटन पे क्लिक करके पब्लिश पे क्लिक करें, और ये जब आपका काम हो चुका आप उसको अनपब्लिश कर दें। अनपब्लिश करेंगे वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा, नया बनाएंगे तो ये बेसिकली रैंडम लिंक बनेगा। ओके अनपब्लिश, तो ये इस पॉइंट को हम क्लियर कर दें और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। वीडियो कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ पे भी इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ओके तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की और यूजफुल वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी ताकि आप उनसे फायदा हासिल कर सकें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.